नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से शनि की महादशा ना रहे और आपके ऊपर हमेशा शनि भगवान की कृपा रहे, तो आपके लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ जिससे कि आप चाह सकते हैं कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अक्सर देखा जाता है लोगों को जूते पहनने का, खरीदने का बड़ा शौक होता है और कुछ लोग जूते खरीद लेते हैं लेकिन पहनते नहीं हैं, घर में बस लाकर रख देते हैं। और यह कहा जाता है ऐसी चीजें आपको शनि के प्रकोप से बचा नहीं सकती हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या फिर पढ़ाई से रिलेटेड आप जाते हैं, तो उसकी यूनिफॉर्म में यदि जूते आप ब्राउन कलर के इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। या फिर जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी यदि आप ऑफिस के कार्य में ब्राउन कलर के जूते इस्तेमाल करते हैं तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है ऐसे सफलता में रुकावट आती है। नंबर एक, यदि आप सोच रहे हैं किसी की चप्पलें अगर खो जाती है, यदि आप मंदिर गए हैं या फिर कहीं भी गए हैं और यदि आपकी चप्पल खो जाती है तो उसके बाद आप किसी की भी चप्पल पहनकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि या फिर आप मंदिर से चोरी करें या फिर किसी और की चप्पल अपने घर पहनकर आ जाएं, तो वह आपकी दशा को और भी बिगाड़ सकती है। अक्सर देखा जाता है जो लोग दूसरों की चप्पल पहनकर चले जाते हैं तो ऐसे में महाशनिदेव की प्रकोप की दशा उन पर ज्यादा पड़ जाती है। यदि वह लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी ना हो तो उनके लिए जरूरी है कि आप अपने जूते चप्पलों का खास ख्याल रखें। आप उत्तर पूर्वी कोने में, यानी कि उत्तर पूर्वी आपके घर का जो हिस्सा है, उसमें जूते चप्पल रखने का स्थान बिल्कुल ना बनाएं। आप कुछ भी स्थान रखें जूते चप्पल के लिए, लेकिन बिखर कर मत रखिए। हमेशा देखा जाता है कि हम किसी के घर जाते हैं तो चप्पल जूते ऐसे बिखेर देते हैं जैसे कि चप्पलों की मार्केट लगी हुई हो, लेकिन आप ऐसे चप्पल ना रखें तो बेटर होगा। आप चप्पल का स्टैंड लेकर आए, चप्पल के हिसाब से लगा दीजिए, चप्पल को उस स्टैंड में लगाइए ताकि चप्पल बिखरी हुई नजर ना आए और आपके घर भी साफ सा लगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग साफ सफाई करते तो हैं लेकिन नॉर्मली तरीके से, उन्हें आधुनिक तरीके से सफाई करनी नहीं आती है। यदि आपका जन्मदिन है या फिर आपके किसी चहेते का जन्मदिन है और आप उसे उपहार में जूते देने की सोच रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उपहार में जूते देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आपको उपहार में जूते मिल भी जाते हैं तो आप उन्हें पहने ना, या फिर किसी को दान दे दें या फिर किसी के जो भी जरूरतमंद है उसे दे दें। ऐसा करने से आपके जो भी दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाएंगे। आप जूते पहनकर खाना भी ना खाएं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं और लापरवाह आलसी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाने के लिए जूते पहनकर ही बैठ जाते हैं, वह उतारते ही नहीं। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी के भी घर जाएं, हमेशा जूतों के स्थान पर उतारें और उसके बाद ही उसके घर में प्रवेश करें। और खाना खाने के लिए खास कर ध्यान रखें कि आप जूते पहनकर खाना बिल्कुल ना खाएं। अक्सर देखा जाता है कि आप जूते पहनकर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने दुर्भाग्य को अपने पास लेकर आ रहे हैं। और यदि मजबूरी है तो उसमें आप खाना खा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो ये है कि शनि की महादशा से आप कैसे बच सकें। आप यदि चाहते हैं कि महाशनिदेव की आप पर प्रकोप न रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद रहे ताकि आपके कार्य में कोई भी बिगड़ या फिर कोई भी निष्फल ना आए, तो उसके लिए ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।